हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 मार्च 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज के वीडियो में हम पूरे न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से लॉकडाउन पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में लोगों से क्षमा मांगी है कि जो आपको कष्ट हो रहा है उस पर रिलेटेड न्यूज़ है, और यूपी गवर्नमेंट ने अपनी सभी सीमाएँ सील कर दी हैं और अब जो व्यक्ति जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, क्योंकि स्थिति पलायन की स्थिति भयावह हो रही थी और लोगों को उससे परेशानियां भी हो रही थी। उसके बाद जिस तरीके से इटली में मौत के आंकड़े थोड़े से पिछले दिनों के मुकाबले कम हुए हैं उस पर न्यूज़ है। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और इसके साथ ही हम एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स सभी पेजों को कवर करेंगे। एडिटोरियल पेज में जो आर्टिकल होंगे हमारे डिस्कशन के लिए उसे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। 4 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, लॉकडाउन ही था एकमात्र रास्ता कष्ट के लिए क्षमा। ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोरोना संक्रमण की आशंकाओं के बीच हजारों की संख्या में पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव पहुंचने को बेकरार प्रवासी मजदूरों, कामगारों, छात्रों एवं अन्य लोगों की परेशानियों को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कष्ट के लिए उनसे क्षमा मांगी है। साथ ही आग्रह किया है कि वैश्विक संकट बनकर उभरा कोरोना जिस तरह फैल रहा है उससे लगता है कि यह मानव जाति को समाप्त करने की जिद पर बैठा है। ऐसे में इससे लड़ाई के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचा था और सरकार को यह फैसला करना पड़ा। यह जरूरी है, इसका पालन करना दूसरों की मदद से पहले खुद की मदद है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में फिर से कोरोना को लेकर ही लोगों को सचेत किया है। उन्होंने इससे लड़ रहे डॉक्टरों, कोरोना के संक्रमण से जूझ कर ठीक हो चुके लोगों से बात की। मोदी ने मन की बात की शुरुआत उस समस्या से की जो पिछले 2-3 दिनों में चिंता का सबब बन गई है। दरअसल लॉकडाउन के ऐलान के बाद से दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से बड़ी संख्या में लोग अपने गांवों से घर की ओर रवाना होने अपने गांव और घर के लिए रवाना होने लगे थे। लॉकडाउन के कारण परिवहन व्यवस्था ठप है तो लोग पैदल ही हुजूम बनाकर चल पड़े हैं। इससे कोरोना के प्रसार का खतरा भी बढ़ गया है। इसमें कई लोग जहाँ काम बंद होने के कारण आर्थिक दिक्कतों के चलते शहर छोड़ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में ऐसे छात्र व प्रवासी भी हैं जो इस संकट के समय अपने गांव और घर पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक देखिए, लॉकडाउन जो किया गया है वो सरकार द्वारा आपके हित में और हमारे हित में ही किया गया है, क्योंकि चीन में जो वुहान शहर में ये त्रासदी आई है, वो चीन ने भी लॉकडाउन के जरिए ही इस पर कुछ कंट्रोल किया है। उसी के तहत अभी ये 21 दिन का लॉकडाउन भारत में घोषित किया गया है और इसे सफल बनाना आपकी और हमारी पूरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट न्यूज है, यूपी में जो जहां है वहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप बढ़ते प्रकोप और घोषित लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त कदम उठाया है। अब उत्तर प्रदेश में 1 मार्च के बाद से आए हर नागरिक की जांच होगी। इनके ऊपर संक्रमण का शक होने की स्थिति में इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। सरकार ने अब जो जहां है उसे वहीं रोकने को कहा है। ऐसे लोगों पर अब 14 दिन बाद ही गांव या अपने घर जा सकते हैं। इसके साथ ही अब किसी को भी 14 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि जो जहां है उसे वहीं के आसपास के शेल्टर में अगले 14 दिन तक रखा जाएगा। जरूरत के हिसाब से उन्हें हर मदद दी जाएगी। सरकार के निर्देशों को देखते हुए पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और राज्यों व जिलों की सीमाएं सील कर दी है। यूपी के मुख्य सचिव ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अब गृह जिले में लौटने वालों को वहीं क्वारंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जो लोग देश के किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं वे लोग लॉकडाउन की इस कार्रवाई का पूर्णतः पालन करें। उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी जहां पर हैं वह वहां पर प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी के संपर्क में रहें, उनको हर प्रकार की मदद दी जाएगी।
और इसमें छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि प्रवासी मजदूरों के रहने खाने सबका प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार या हर राज्य सरकार जहाँ पर दूसरे राज्यों के लोग हैं उनका किया जाएगा। और केंद्रीय विद्यालय 30 अप्रैल के बाद लेंगे फीस। तो ये न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आईसीएमआर ने चेताया, जरा सी ढील फेर सकती है पानी। लॉकडाउन को लेकर अभी भी कुछ स्तरों पर दिख रही सुस्ती व लापरवाही के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चेतावनी दी है कि लॉकडाउन के कड़ाई से पालन के जरिए ही इसे रोका जा सकता है। इसमें जरा सी ढील भी सारे प्रयासों पर पानी फेर देगी। वहीं इस आरोप को भी खारिज कर दिया है कि कम जांच होने के कारण कोरोना के मरीजों की संख्या कम दिख रही है। सरकारी संस्थान आईसीएमआर के डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर के अनुसार फिलहाल यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि कोरोना का प्रभाव देश में चरम पर पहुंच गया है और अब इनमें गिरावट आना तय है। इन्होंने कहा है कि यदि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया गया और लोगों ने शारीरिक दूरी कायम रखी तो कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी अभी रुक सकती है, लेकिन इसमें चूक हुई तो इसे फैलने से रोकना मुश्किल होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस को पूरी तरह से हराने के लिए लॉकडाउन और सरकार के अन्य दिशा निर्देशों का 100% पालन करना होगा। इसमें 99% से भी कम काम नहीं चलेगा। डॉक्टर गंगा खेड़कर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत में कोरोना की जांच कम होने के कारण मरीजों की संख्या कम पता चल रही है। 113 लैब की कुल क्षमता का 30% का उपयोग हो रहा है। वहीं देश में 1400 टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता वाले दिल्ली और भुवनेश्वर में 2 रैपिड टेस्ट मशीन तैयार कर दी गई हैं, लेकिन किट की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो सका है। नेक्स्ट न्यूज है, देश में 2 और मौतें, 1100 से ज्यादा लोग संक्रमित। देखिए आंकड़ा तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है भारत में, लेकिन फिर भी कुछ मायने में कंट्रोल में है। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 135 मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 1100 के पार चला गया है। इसमें विदेशी नागरिकों और वायरस के चलते जान गंवाने वाले भी शामिल हैं। 99 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। रविवार को गुजरात और जम्मू कश्मीर में एक एक व्यक्ति की जान चली गई और मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की तरफ से मिली जानकारियों के मुताबिक देश में अभी तक कोरोना वायरस के 1123 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें महाराष्ट्र में 6, गुजरात में 5, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में 2-2 और केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में एक-एक व्यक्ति शामिल है। महाराष्ट्र में अभी तक सबसे ज्यादा 203 लोग संक्रमित हुए हैं। रविवार को 22 नए मामले सामने आए हैं। 34 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 20 नए केस के साथ केरल में संक्रमितों की संख्या 202 हो गई है। नए मामलों में कुन्नूर में 8 और कासरगोड में 7 केस शामिल हैं। राज्य में अब तक 20 स्वस्थ हो चुके हैं। राजस्थान में 2 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या 56 हो गई है। 23 नए मामलों के साथ दिल्ली में 72 लोग संक्रमित हो गए हैं। 5 नए मामलों के साथ जम्मू कश्मीर में 38, 4 नए केस के साथ बिहार में 15 और 16 नए मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 82 पहुंच गई है। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहना ही इसका अभी तक जो उपचार दिख रहा है वही है। तो ये नेशनल न्यूज़ की 4 न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इसमें 4 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है चीन के महामारी से जुड़े आंकड़े सवालों के घेरे में। कोरोना महामारी से जुड़े चीन के आंकड़ों पर संदेह गहराता जा रहा है। वुहान के शवदाहगृहों के बाहर अपने परिजनों की अस्थियां लेने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में इस महामारी से कितने लोग मारे गए हैं। चीन के एक मीडिया संस्थान
कैक्सिकन ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें कई ट्रक 2500 अस्थि कलश लेकर पिछले सप्ताह एक शवदाह गृह से निकलते दिख रहे थे। एक अन्य तस्वीर में दिखाया गया है कि 3500 अस्थि कलश शवदाह गृह में रखे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शवदाह गृह में काम करने वाले कर्मचारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि अभी कितने अस्थि कलश परिजनों को दिए जाने बाकी हैं। देखिए, ये पहले ही चर्चा चल रही थी कि चीन किसी न किसी मामले में कुछ आंकड़े छुपा रहा है। पहले ही उसने इस बीमारी को सार्वजनिक करने में काफ़ी देर कर दी थी, क्योंकि वुहान में अक्टूबर में ही ये महामारी फैल चुकी थी और जाने जाने लगी थी, यानी लोग मरने शुरू हो गए थे। लेकिन उन्होंने ये न्यूज़ दुनिया के सामने लगभग जनवरी और जनवरी लास्ट में रखी थी, यानी कि ये वायरस पूरी तरीके से चीन में और देशों में फैल चुका था। तो चीन इस मामले में शुरू से ही झूठ बोलता रहा है, और जिसका खामियाजा आज चीन स्वयं और दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तर कोरिया ने दो बैलिस्टिक मिसाइलों का किया परीक्षण। एक तरफ दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, वहीं उत्तर कोरिया ने रविवार को दो बैलिस्टिक मिसाइलों का समुद्र में परीक्षण किया। परीक्षण पर एतराज जताते हुए दक्षिण कोरिया ने इसे पूर्णतः अनुचित बताया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, रविवार सुबह उत्तर कोरिया ने पूर्वी तटीय शहर वोनसान से निकली मिसाइलें कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरती देखी गईं। इनकी अधिकतम ऊंचाई 30 किलोमीटर थी और समुद्र में गिरने से पहले इन मिसाइलों ने लगभग 230 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खुफिया अधिकारी इस परीक्षण पर नजर रख रहे हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने इसे अनुचित बताने के साथ ही उत्तर कोरिया से महामारी के इस दौर में परीक्षण रोकने का आग्रह किया है। कुछ दिन पहले भी उत्तर कोरिया ने कुछ मिसाइलों का परीक्षण किया था। इसे अमेरिका के साथ रुकी हुई वार्ता को फिर से शुरू करने के दबाव के तौर पर देखा जा रहा था। पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया ने जानकारी दी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तानाशाह किम जोंग उन को एक पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को बनाए रखने और महामारी के प्रकोप से लड़ने में सहयोग की पेशकश की थी। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, इंडिया एब्रॉड अखबार का आज आखिरी अंक। पूरे 50 साल अमेरिका में भारत की पहचान का झंडा बुलंद कर किए रहा इंडिया एब्रॉड सोमवार को अपना आखिरी अंक प्रकाशित करेगा। न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाले इस अंग्रेजी अखबार पर कोरोना का कहर भारी पड़ गया है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क पर ही है। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रकाशक गोपाल राजू ने सन 1970 में इंडिया एब्रॉड का प्रकाशन शुरू किया था। एक समय लोकप्रियता की ऊंचाइयों को छूने वाला यह अखबार अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भारत की खबरें पढ़ाता था, यानी कि बताता था। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के बावजूद यह अखबार अपना वजूद बनाए रहा, लेकिन कोरोना का प्रहार यह अखबार नहीं झेल पाया। वायरस के प्रकोप से त्रस्त अमेरिका के अखबार को विज्ञापन मिलने बंद हो गए, वितरण में मुश्किलें पैदा हो गईं, और इन सब के बीच इंडिया एब्रॉड को चलाए रखने का हौसला भी जाता रहा। गोपाल राजू ने इस अखबार को 2001 में rediff.com को बेच दिया था। इसके बाद 2016 में rediff.com ने इसे 8K माइल्स मीडिया इंक को बेच दिया। रविवार को सुरेश वेंकटाचारी ने अखबार का प्रकाशन बंद करने के फैसले की घोषणा की थी। अब नेक्स्ट न्यूज है, इटली से मिले राहत के संकेत, कम होने लगी मौतें। लगभग आप 10 दिन से देख रहे होंगे, आपको इंटरनेशनल पेज पर इटली की न्यूज जरूर मिलती थी, लेकिन आज भी न्यूज है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो अब कम हो रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में फैली दहशत के बीच इटली से कुछ राहत के संकेत मिले हैं। इटली में पिछले 2 दिनों से कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या कम हो रही है। इटली में रविवार को 756 मौतें हुई थी, जबकि शुक्रवार को 919 और शनिवार को 890 लोगों की जान गई थी। सबसे बुरी तरह प्रभावित इटली में अब तक इस वायरस से 10,780 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में स्पेन में 838 लोगों की जान चली गई है। ब्रिटेन में एक दिन में 209 मौतें हुई हैं और यह आंकड़ा 1,228 पर पहुंच गया है। दुनिया भर में 33,524 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 7 लाख को पार कर गया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक ठीक
हो चुके हैं और कोरोना से स्पेन की राजकुमारी की भी मौत हो गई है। स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से शुक्रवार को निधन हो गया। 86 साल की राजकुमारी मारिया स्पेन के राजा फिलिप छठे की चचेरी बहन थी। उनके छोटे भाई राजकुमार सिक्स एनरिक डे बोबरोस ने फेसबुक पर राजकुमारी के निधन की सूचना दी है। तो ये इंटरनेशनल पेज की चार न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पे हमारे लिए चार न्यूज़ हैं। पहला है मांग घटी सस्त मांग घट गई है और सस्ते क्रूड ऑयल का कोई अब खरीदार नहीं मिल रहा है। कुछ महीने पहले इंटरनेशनल एनर्जी फोरम ने वर्ष 2020 के बाद दुनिया में क्रूड खपत का अनुमान जारी रखते हुए कहा था कि वर्ष 2040 तक इसकी मांग बढ़ती रहेगी, लेकिन कोरोना वायरस ने अभी जिस तरह से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का चक्का जाम किया है, उससे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में भारी कमी होती दिख रही है। पेट्रोलियम उत्पादों के तीन सबसे बड़े उपभोक्ता देश अमेरिका, चीन और भारत में से भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन है। अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग वर्क ट्रांसपोर्ट बंद हैं, जबकि चीन के कई प्रांतों में स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। वहीं वजह है कि पिछले 5 हफ्तों में क्रूड की कीमत $65 से घटकर $26 प्रति बैरल आने के बावजूद इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। भारत में पेट्रोल व डीजल की खपत में 50% से ज्यादा की कीमत कमी आ चुकी है। देश की अधिकांश रिफाइनरियों के क्रूड भंडार पूरी तरह से भरे हुए हैं, जबकि मांग नहीं होने की वजह से देश की अधिकतम रिफाइनरियों में या तो उत्पादन बंद कर दिया गया है या वे अपनी क्षमता का बहुत ही कम उत्पादन कर रही हैं। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पिछले बुधवार तक कंपनी ने उत्पादन में 30% की कटौती की है। पेट्रोल, डीजल, विटामिन व अन्य औद्योगिक उत्पादों की खुदरा बिक्री तब तक 50% कम हो चुकी थी। तो आगे आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति रहेगी तो इसके दाम और कम होंगे। पेट्रोल पंपों से बिक्री मात्र 5% पर सिमट गई है। देश के 68,000 पेट्रोल पंपों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अजय बंसल का कहना है कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोल व डीजल की कीमत 95% कम हो चुकी है। बंसल भारत सरकार की एक पुरानी रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि 70% डीजल व 99% पेट्रोल ट्रांसपोर्टर सेक्टर में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल पंपों को दोहरा नुकसान यह हो रहा है कि स्टॉक में पड़ा उत्पाद खराब हो रहा है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। वैश्विक माहौल से तय होगी बाजारों की चाल। कोरोना वायरस के चलते शेयर बाजारों का पिछले कुछ दिनों में जो हाल रहा था, उसमें सरकार और आरबीआई द्वारा राहत की घोषणा के बाद से सुधार दिख रहा है, लेकिन अब आने वाले दिनों में शेयर बाजारों की चाल बहुत हद तक विदेशी बाजारों के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगी। जानकारों का कहना है कि कोरोना का असर किस देश पर कैसा रहता है और इससे उभरने की दिशा में क्या प्रगति होगी, इस पर शेयर बाजारों की पैनी नजर रखने की जरूरत है। वैसे इस सप्ताह गुरुवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में घरेलू शेयर बाजार बंद रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, बैंकों को बासेल नियमों के पालन में मिली छूट। कोविड-19 वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से ठप हुई है, उससे बैंकों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। बैंकिंग व्यवस्था के लिए चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने बासेल 3 नियमों के पालन को लेकर बैंकों को कई तरह की राहत दी है। किसी भी तरह की अस्थिरता की स्थिति में इस्तेमाल होने वाले विशेष फंड यानी नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो यानी NSFR संबंधी मानकों को इस वर्ष की 1 अक्टूबर से लागू करने की छूट दे दी गई है। यह मानक 1 अप्रैल से लागू होना था। इसी तरह से बैंकों के लिए अलग से कैपिटल कंजर्वेशन बफर संबंधी टाइमलाइन को भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इस छूट का मतलब यह हुआ कि बैंकों को मौजूदा कारोबार से अलग धन एक विशेष कोष में नहीं रखना होगा। नेक्स्ट न्यूज है, सरकारी खरीद शुरू होने पर ही किसान आएंगे मंडी। मंडियों में रबी सीजन की फसलों की खरीद बिक्री के साथ ही कृषि संबंधी सभी गतिविधियों को सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है।
लेकिन मंडियां खुली होने के बावजूद किसान अपनी उपज वहां बेचने नहीं जा रहे हैं। मंडियों में फसलों के मूल्य उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत नीचे बोले जा रहे हैं। यही वजह है कि देश में एपीएमसी की विभिन्न मंडियों में रबी फसलों की आवक नहीं होने के बराबर हो रही है। दरअसल सरकारी खरीद चालू होने के बाद ही बाजार के भाव ऊपर उठेंगे। मंडियों में व्यापारी लॉकडाउन के चलते सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की घोषणा से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। ज्यादातर राज्य सरकारों ने किसानों को उनकी रबी फसलों की उपज के भंडारण के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके लिए उन्हें अलग-अलग राज्यों के विभिन्न स्कीमों के तहत सब्सिडी दी जाएगी। तो ये बिजनेस पेज की चार न्यूज़ थी हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए तीन आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, छोड़ना होगा प्रकृति से लड़ाई। जिस तरीके से अब हम लोग प्रकृति का नाश करके, मतलब विज्ञान को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से और किसी न किसी तरीके से प्रकृति से ये खिलवाड़ कहीं नतीजा है जो कोरोना वायरस के रूप में सामने आया है, इस पर ये आर्टिकल लिखा गया है। और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने। दूसरा है खेती को सुरक्षित रखने की चुनौती। जिस तरीके से फसल पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कटाई और उसकी बिक्री में जो समस्याएं आ रही हैं, उस तरीके से किसानों को और जो खेती तैयार है उस पे खतरा मंडरा रहा है, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने। तीसरा आर्टिकल है पलायन की त्रासदी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पलायन हो रहा है मजदूरों का अपने घरों के लिए, उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं, छोड़ना होगा प्रकृति से लड़ाई। मृत्यु निश्चित है, वह सूचना देकर नहीं आती, लेकिन महामारियों मृत्यु के जयघोष के साथ आक्रमण करती हैं। लोग थोक में मरते हैं, मौत का भय भयानक सामाजिक रूप ले लेता है। संप्रति मानवता ऐसे ही मृत्यु भय से कांप रही है। दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत भी महामारी से संघर्षरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक माइकल रयान ने कहा है कि भारत के पास कोरोना से लड़ने की क्षमता है, इसके पास चेचक और पोलियो को समाप्त करने का अनुभव है। उन्होंने विश्वास जताया है कि भारत अपनी तैयारियों से कोरोना के तीसरे चरण में पहुंचने से पहले ही इसको रोक लेगा। भारत पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शी हो सकता है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने व्हाट इंडिया कैन टीच अस, भारत हमें क्या सिखा सकता है, व्याख्यान माला 1882 में कहा था। हम हर चीज के अभ्यस्त होकर आश्चर्य करना छोड़ देते हैं। अचानक आए भूकंप के समान हमारे संरक्षकों को किस बात ने चौंकाया होगा, उनकी स्थायी धारणाओं को किसने ध्वस्त किया होगा। आपदाएं स्थापित धारणाएं तोड़ती हैं। यानी कि हम जितना निश्चिंत रहते हैं कि आज के युग में हमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी या कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप हो, महामारी हो, बाढ़ हो, ये सारे हमारे जो अंधविश्वास होते हैं उसको तोड़ देती हैं कि हम निश्चिंत हैं, हम सेफ हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस आया है और भारत उसकी चपेट में आता जा रहा है, तो ये भी एक भ्रांति को तोड़ने का सबब है। कोरोना के अंत के बाद का विश्व सोच विचार, आचार व्यवहार और आहार आदि की आदतों से भिन्न होगा। विज्ञान को अपनी सीमा का पता चल गया है, प्रकृति की अनंत शक्ति का परिचय मिल गया है। स्वयं को महाशक्ति मानने वाले देश आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ये बात सच है कि कोरोना वायरस के चलते चीन, जो अपने आप को महाशक्ति मानने के बताने के लिए आतुर रहता था, अमेरिका, जो अपने को महाशक्ति मानता है, वो भी अब कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक रहा है। जिस तरीके से चीन ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए थे, अब अमेरिका, जो कि एक संपन्न देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, जो कि विकासशील और पूरी तरीके से सक्षम देश हैं, वो भी इसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं और इस त्रासदी का पूर्णतः शिकार बन रहे हैं। विश्व इतिहास में अपने ढंग की यह पहली आपदा है। समानता इतिहास के विवरण में ईसा पूर्व और ईसा बाद के काल विभाजन है। अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद वैश्विक सामाजिक व्यवहार में आधारभूत बदलाव हुए थे। अब इतिहास के काल विभाजन की रेखा कोरोना के पहले और कोरोना के बाद की हो सकती है।
आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव में दुनिया को ग्लोबल विलेज यानी भूमंडलीय गांव माना गया था। खासकर व्यापार में राष्ट्र राज्य की सीमाएं शिथिल हो रही थी, लेकिन कोरोना आपदा से ये सीमाएं सील हैं। विमान सेवाएं बंद हैं, सामाजिक व्यवहार बदल गए हैं, वार्ता करने में फासले की दूरी, विशेषज्ञ यही बता रहे हैं कि जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। भारत के धर्म दर्शन और लोक व्यवहार में अनुकूल की शक्ति है। आपदाओं में आश्चर्यजनक एकता और सामान्य जीवन में अनेकता यहाँ की प्रकृति है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की है, देश ने अपील स्वीकार की है। उन्होंने 21 दिन के लॉकडाउन की अपील की थी और हाथ तक जोड़े। सोचिए, एक प्रधानमंत्री अगर हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा है कि लॉकडाउन को आप सफल बनाइए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस लॉकडाउन को सफल बनाइए। आज सारी दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग की चर्चा है, इसका अर्थ समाज से अलगाव नहीं है। जीवन की सभी गतिविधियां सामाजिक हैं। मन की निकटता को वैदिक ग्रंथों में श्रेष्ठ बताया गया है। समाज की दीर्घ जीविका के लिए प्रत्येक सदस्य का परस्पर दूर रहना ही जरूरी है। नमस्कार में मन की निकटता की अभिव्यक्ति है। ऋग्वेद में नमस्कार को देवता कहा गया है। नमस्कार में देह ऊर्जा का विकार का संक्रमण दूसरे को नहीं होता है। हम सब प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति अराजक नहीं है। पृथ्वी और सभी ग्रह सुसंगत नियमों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। अग्नि प्रवाह ऊर्ध्वगामी है और विश्व को ऐसे तमाम सामयिक प्रश्नों पर विचार करना होगा कि जीवन दृष्टि और जीवन शैली दोनों विचारणीय है। जीवन शैली का विकास जीवन की दृष्टि से ही होता है, यानी कि मनुष्य को अब प्रकृति से खिलवाड़ बंद करना होगा और प्रकृति को ही सर्वशक्तिशाली मानकर चलना होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से चीन छोटी छोटी और सस्ती सस्ती चीजें बनाता था और कि आप कई चीजों का इस्तेमाल आप मशीनों द्वारा कर सकते थे, तो ये भी एक प्रकृति का खिलवाड़ ही था। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में हम प्रकृति का ही इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल होता रहेगा। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरी तरीके से विश्व में फैल चुका है, तो ये हमारे लिए एक संकेत है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद करें। नेक्स्ट आर्टिकल है, खेती को सुरक्षित रखने की चुनौती। इस समय देश दुनिया में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कोरोना महामारी से प्रभावित ना हो। खेती किसानी भला कैसे अछूती रह सकती है? इससे मुकाबला के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर भी पड़ने लगा है। रबी की कुछ फसलों सरसों मटर चना प्याज आलू आदि की कटाई या निकासी शुरू हो चुकी है। अगला एक महीना रबी की मुख्य फसल गेहूं की कटाई, साथ ही जायद व उसके बाद खरीफ की फसलों की बुआई शुरू होने का वक्त है। स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कृषि कार्यों और इससे जुड़ी व्यवस्था का निर्बाध रूप से चलना अति आवश्यक है। ऐसे में लॉकडाउन के बावजूद सरकार को सभी तरह के कृषि व संबंधित कार्यों में लगे किसान मजदूरों को काम करने, कटाई निकासी परिवहन भंडारण प्रसंस्करण और बिक्री व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी होगी। कृषि यंत्रों एवं वाहनों और मजदूरों की आवाजाही सुगम करनी होगी। कृषि यंत्रों के रखरखाव मरम्मत और कारीगरों को भी अनुमति देनी होगी। फसल खरीद के लिए खरीद केंद्रों अनाज मंडियों परिवहन और भंडारण की व्यवस्था को युद्ध स्तर पर चलाना होगा। इन सभी स्थानों पर उचित आपसी फासला व सफाई जैसे आवश्यक कदम भी उठाने होंगे जिससे संक्रमण ना फैले। फसलों की भुगतान अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम से किया जाए। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली रबी फसलों की खरीद को पंजाब सरकार ने 15 अप्रैल और हरियाणा सरकार ने 20 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय किया है। इस पर सरकार पुनर्विचार करे, अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस दौरान धन का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। बुआई के लिए बीज खाद कीटनाशकों के उत्पादन भंडारण वितरण व बिक्री और सिंचाई की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलनी होगी। ये बात सच है कि जिस तरीके से फसल पूरी तरीके से तैयार है, उसमें अब राज्य सरकारों को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान अपने घरों से अपने खेत से किस तरीके से अनाज को सुरक्षित और सुगमता से मंडी तक पहुंचाएं और उसकी बिक्री करके अपनी धनराशि प्राप्त करें। क्योंकि अगर उनकी बिक्री नहीं की जा की जाएगी और उन्हें धनराशि प्राप्त नहीं होगी, तो उसके 2 प्रभाव पड़ेंगे। पहला तो उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, वो किस तरीके से अपना घर चलाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पैसे की जरूरत है हम लोगों की तरह। और दूसरा, अगली फसल के लिए वो बीज
कीटनाशक दवाइयां इत्यादि की खरीदारी कहां से करेंगे। भारत में असंगठित क्षेत्र में 80% से ज्यादा लोग काम करते हैं। काम बंद होने के कारण ये लोग शहरों से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बाहर के मजदूर भी बीमारी के डर से पलायन कर रहे हैं। इस कारण गन्ने की छिलाई और बुआई, गेहूं की कटाई व निकासी, सब्जियों को तोड़ना और खरीफ की बुआई भी प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, पलायन की त्रासदी। कोरोना वायरस के भयावह खतरे से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद कुछ समस्याएं आनी ही थी, लेकिन इस बारे में शायद ही किसी ने अनुमान लगाया होगा कि महानगरों से एक बड़ी संख्या में लोग अपने घर गांव जाने के लिए निकल पड़ेंगे। दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ है। दिल्ली और कुछ अन्य महानगरों के दिहाड़ी मजदूर, कारखाना श्रमिक और अन्य लोग जिस तरह से अपने घर गांव जाने के लिए उमड़ पड़े हैं, उससे राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार के समक्ष भी यह चुनौती आ खड़ी हुई है कि इन सबको राहत देने के साथ ही उनके बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जाए। यह संतोषजनक है कि केंद्र एवं राज्य सरकारें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इन लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ठहराने और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था करने में जुटी हुई है। इस व्यवस्था से समाज के सक्षम तबके की ओर से बढ़ चढ़कर जिस तरह योगदान दिखाया जा रहा है, वह समस्या की गंभीरता को कम करने वाला तो है ही, राष्ट्रभाव को बल देने वाला भी है। महानगरों से हजारों लोगों का पलायन एक मानवीय त्रासदी के अलावा और कुछ नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। आखिर लॉकडाउन की घोषणा के एक दो दिन बाद अचानक ऐसा कैसे हुआ कि महानगरों से हजारों लोग अपने गाँव के लिए निकल पड़े, जब बार बार यह कहा जा रहा है कि जो जहां है वहीं रहे, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि हजारों हजार लोग अनजानी आशंका से घिर गए हैं और अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। तो ये आज के एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। इसमें 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कोरोना ने किया क्रिकेट को बीमार। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते अगले 6 महीनों तक अपनी सीमा बंद रखने का फैसला किया है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट का ऑस्ट्रेलियाई दौरा इससे प्रभावित हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम को T20 त्रिकोणीय सीरीज भी खेलनी है। वहीं विश्व कप के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है। हालांकि अगर स्थिति सामान्य होती है तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस प्रतिबंध को कम या हटा सकती है। सौरव गांगुली की अगुवाई वाली BCCI को इस महामारी के चलते वैश्विक योजना बनानी पड़ सकती है। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2021 से शुरू हो सकते हैं टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक के आयोजनकर्ता 23 जुलाई 2021 से ओलंपिक कराने की तैयारी कर रहे हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा है कि ओलंपिक में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। गेम्स गर्मियों में हो सकते हैं। हम जून से लेकर सितंबर के बीच में विचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने मंगलवार को ही कहा था कि 2021 में यह गेम्स गर्मियों में हो सकते हैं। स्थगित हुए 2020 गेम्स 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होने थे। मोरी ने कहा कि 2021 ओलंपिक की तिथियों पर फैसला इस सप्ताह भी हो सकता है। कोई भी अंतिम फैसला स्थानीय आयोजनकर्ता और IOC सहित स्पॉन्सर, खेल फेडरेशन, ब्रॉडकास्टर के बीच की बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। तो ये स्पोर्ट्स पेज की 2 न्यूज थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है उत्तर कोरिया ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का किया परीक्षण। इंडिया एब्रॉड आज आखिरी बार पढ़ा जाएगा। ये एक अखबार है जो अमेरिका न्यूयॉर्क में प्रकाशित होता था और ये भारत की खबरें वहां के भारतीयों को देता था। 23 जुलाई 2021 से शुरू हो सकते हैं टोक्यो ओलंपिक। अभी इस पे अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। देश में 2 और मौतें, 1100 से ज्यादा लोग संक्रमित और लगभग 90 लोग सही भी हुए हैं। बैंकों को बासेल नियमों के पालन में मिली छूट। अब यह तिथि अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। सरकारी खरीद शुरू होने पर ही किसान आएंगे मंडी। जैसा कि 14 तारीख तक लॉकडाउन है
अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है। दो राज्यों ने यानी हरियाणा ने तारीख बताई है 15 और पंजाब ने 20, तो और भी राज्य इस पर अभी फैसला लेंगे। तो ये आज का यानी 30 मार्च 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।